हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हम लोग के लाइफ में बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन हम उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे साइंस से रिलेटेड फैक्ट। हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग वो चीज़ देखते हैं, तो आखिर उसके पीछे साइंस क्या कहता है। तो आज का क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस में, आप जैसे कि देखते होंगे कि बर्फ़ से भरे बर्तन के बाहर पानी की बूंदें क्यों जम जाती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे फ्रिज से जब अगर कोई बॉटल निकालते हैं और बॉटल को बाहर रखते हैं, तो आप देखते होंगे कि बॉटल के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? क्या बॉटल का पानी बाहर आ जाता है? क्या वो मीन्स जो पानी होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, वो कहाँ से ऐसा हो जाता है? चूँकि जो बॉटल होता है या फिर जो कंटेनर होते हैं, कंटेनर पूरी तरह से पैक होते हैं, वो मीन्स उसके बाहर तो पानी का मीन्स अंश भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। आखिर इसका रीज़न क्या है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हम लोग अक्सर देखते हैं कि फ्रिज से अगर पानी ठंडा निकालते हैं, अगर किसी ग्लास में रख लेते हैं या बॉटल में अगर रखते हैं या कि फिर किसी कंटेनर में रखते हैं, तो उसके बाहर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगते हैं और हमें ये कन्फ्यूज़ करता है कि आखिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर कैसे आया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसी भी कंटेनर में आने का मेन कारण है कि जब हम किसी भी बर्तन में जब बर्फ को या फिर वाटर को जब हम रखते हैं, तो उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण जो वायु में यानी कि बर्तन के आसपास जो वायु होता है उसमें नमी हो जाती है, और उस नमी से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पर आ करके जमने लगती है और हमें वो दिखाई देती है वाटर के रूप में। ये ऐसा मीन्स जब हम लोग ठंडा पानी किसी कंटेनर या बोतल में निकाल कर रखते हैं तभी ऐसा होता है, लेकिन अगर उसी कंटेनर को मीन्स अगर फ्रिज से पानी निकाल करके अगर कहीं रेगिस्तान में ले जाते हैं तो ऐसा हमें नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि कोई कंटेनर है, मीन्स ग्लास है, और ग्लास में बर्फ़ का टुकड़ा अगर डाल देते हैं, तो इसके आसपास जो आप देख रहे हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स निकल जाता है, या फिर आप देख रहे हैं कि इस ग्लास में ये बर्तन का जो बर्तन में है इसमें जैसे ही ठंडा पानी रखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल आता है। ये ग्लास में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आता है, लेकिन इसी को अगर हम दूसरे जगह जैसे कि रेगिस्तान में अगर ले जाते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे नहीं आता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जैसे हम फ्रिज से पानी निकाल करके इस ग्लास में रखते हैं, तो इसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स आने का मेन कारण है कि इसके आसपास यानी कि बर्तन के चारों ओर का जो वातावरण होता है उसमें नमी होने के कारण वो वायु को संघनित कर लेता है, और संघनन के कारण ही यह हम छोटे छोटे वाटर की बूंदें दिखाई देने लगती है, जिसके वजह से ये हमें इस तरह से देखने को मिलता है। और जब इसी वाटर को मीन्स अगर हम फ्रिज के बोतल को अगर हम रेगिस्तान में ले जाते हैं, तो ये रेगिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान में शुष्क होता है। रेगिस्तान में जो वायु होता है शुष्क होने के कारण वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनती है, लेकिन सामान्य जगहों पर जैसे हम फ्रिज से पानी निकालते हैं वहाँ पर नमी के कारण वो संघनित हो जाता है, जिसके कारण हम इस तरह से ग्लास में या किसी भी कंटेनर में हम वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने लगते हैं। तो चलिए इसका आंसर का जवाब अगर हमको देना हो तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी बर्तन में बर्फ़ रखते हैं, जब किसी भी बर्तन में बर्फ़ रखते हैं, तो बर्तन के आसपास का जो वातावरण होता है उसका तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे कि वहाँ का वायु में उपस्थित नमी संघनित हो करके वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में उसके बाहर चारों ओर बूंदों के रूप में जम जाता है, आ करके ठहर जाता है। लेकिन जब वातावरण जब बिल्कुल साफ हो, जिसमें हम कह सकते हैं पूरी तरह से हम कहेंगे कि शुष्क हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये शुष्क कब होगा, जब रेगिस्तान में जाएंगे, रेगिस्तान में वाटर को अगर वाटर बोतल को अगर ले जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, जब शुष्क वायु रहेगा तब उस कंडीशन में ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसी भी कंटेनर पे नहीं बनता है, लेकिन
अगर नमी होगा तो वहाँ पर इस तरह का मींस वाटर ड्रॉपलेट्स बर्तन पे आ जाता है। तो इस तरह से ये साइंस फैक्ट मींस इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस का वीडियो कैसा लगा। यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इसी तरह से नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक और नए साइंस फैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।